हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिम्पल भगवानी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ मी लाइफ क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आज बहुत बड़ी समस्या लेके खड़ा हुआ है, और वो है व्हाट इफ वी यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 24 आवर्स। क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 24 आवर्स तक यूज किए जाए? तो दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी क्या होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, जैसे कि कुकिंग से लेकर म्यूजिक तक सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम आते हैं, और बच्चों का मन पसंदीदा चीज जो कि मोबाइल फोन से, और भी कुछ एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप और कई सारे। लेकिन आज हम गैजेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मोबाइल फोन, हमारी दुनिया का, हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा, जिसे हम कभी भी छोड़ते नहीं, हर वक्त अपने साथ रखते हैं। कभी कभी तो ये डर लगता है कि अगर किसी और के हाथ में लग जाए तो पर्सनल चैटिंग्स पढ़ लेगा, इसलिए हम हमेशा अपने साथ अपना मोबाइल फोन रखते हैं। लेकिन क्या हमेशा हम अपना फोन अपने साथ रखें, ये जरूरी है? नहीं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो देखते हैं। सबसे पहला, मोबाइल फोन्स को पॉकेट में रखना। जनरली मैन जो यहाँ पे जेंट्स रहते हैं वो अपने पॉकेट में मोबाइल फोन्स रखते हैं, जिससे जो मोबाइल फोन्स में से जो रेडिएशन एमिट होती है वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ला सकता है। आजकल 2 साल के बच्चों को भी पेरेंट्स मोबाइल फोन्स पकड़वा देते हैं ताकि बच्चा बिजी रहे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और कोई कोई लोगों की आदत रहती है कि देर रात तक मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, जिससे उनकी आईज में इमिट करता है। तो वो कहते हैं ना, बदलती दुनिया में कुछ ऐसा असर होने लगा है, बदलती दुनिया में कुछ ऐसा असर होने लगा है कि इंसान पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है, कि इंसान पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। नींद अच्छी आने के लिए नींद की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, और नींद की क्वालिटी स्लीप एंड वेक साइकिल पे डिपेंड करती है। तो स्लीप एंड वेक साइकिल जो है वो 90 मिनट्स की साइकिल रहती है, जिसमें 4 स्टेजेस रहती है। स्टेज 1 जो कि 1 to 10 मिनट की रहती है, उस वक्त हम लोग सो रहे होते हैं, तो अगर उस वक्त हमें कोई उठा ले तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद ही नहीं आई। स्टेज 2 का असल गोल, नींद का असल गोल है कि 3rd और 4th स्टेज तक पहुंचना। यानी कि अगर हमारी गहरी स्टेजेस तक अगर हमारी नींद नहीं जाती, तो इसका मतलब कि हमारी नींद 2nd स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण अगर हमारी नींद नहीं लगती तो हमें कभी थकान महसूस होता है और पूरे दिन में उबासी आना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और अगर बाहर से हमें और अगर हमें कोई उठाए तो हमें बाहर से सिग्नल मिलते नहीं है, उस वक्त हमारी बॉडी कोई भी सिग्नल नहीं लेती है, जिसकी वजह से गहरी नींद हमें आना शुरू हो जाती है, और उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसमें हमारी मसल्स जो है वो ग्रोथ होती है। स्टेज 4 REM रैपिड आई मूवमेंट, इसमें ये स्टेज में हमें सपने आना शुरू हो जाते हैं, और जब हम लोग धीरे धीरे सपने देखना शुरू करते हैं तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हमें आखिर सपने क्यों आते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं। REM स्लीप में हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में पुरानी रहती है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अरेंज होना शुरू हो जाती है, यानी कि पुराने एक्सपीरियंस कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सपना क्रिएट होता है, इसलिए हमें सपने आते हैं। नेक्स्ट है ईयरफोन्स। कभी कभी हमें गाने सुनने का बहुत शौक होता है, तो ईयरफोन्स लगा के हम लोग गाने सुना करते हैं। तो लेकिन ज्यादा देर तक ईयरफोन्स लगा के सुनना हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकता है, तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करता है। जब भी साउंड वाइब जो आता है हमारे ईयर में आता है, वो भी एक वाइब्रेशन के फॉर्म में, जब वो साउंड में वाइब्रेशन के फॉर्म में हमारे ईयर में पहुंचता है तो वो हमारे ईयर ड्रम में पहुंचता है। ईयर ड्रम के थ्रू वो हमारे इनर ईयर में पहुंच के कॉकलिया पर रीच होता है। अब आप सोच रहे होंगे कॉकलिया यानी क्या होता है। कॉकलिया यानी कि ऐसा फ्लूइड फिल्ड चैम्बर जो कि थाउजेंड्स ऑफ हेयर से भरा हुआ, उसमें जब ईयर ड्रम के थ्रू इनर ईयर में जो वाइब्रेशन पहुंचती है तो उसके अंदर कॉकलिया में जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वाइब्रेशन के कारण अगर वाइब्रेशन बढ़ जाती है यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हेयर्स भी बहुत ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ईयर्स में प्रॉब्लम आती है, जिससे हमें सुनाई कम देता है। ये वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मशीन है जो बिना थके और बिना रुके हमेशा चलती है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।